नमस्कार, मैं इमराना हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। तहसील धामपुर के ग्राम सरकथल माधव के पास धामपुर नूरपुर रोड पर माता शेरावाली मंदिर के निकट एक आम का पेड़ लगभग 8 दिन से गिरा हुआ है। उस पर आम भी लगे हुए हैं और वह बड़ा आलिशान पेड़ होने की वजह से 11,000 की लाइन में तारों में भी झूल रहा है और खेत स्वामी ने भी वन विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन अभी तक कोई उसे कटवा कर हटाने को तैयार नहीं है। बेचारा किसान अपनी ईमानदारी के कारण इधर उधर घूम रहा है और पेड़ को हटाने के लिए वन विभाग के अधिकारियों से बार बार कह रहा है, लेकिन कोई भी कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं है। इस बाबत जब हमारे संवाददाता ने वन विभाग दरोगा धामपुर लक्ष्मी चंद जी से फ़ोन पर बात की तो उनका कहना है कि यह हमारी सीमा में नहीं आता, तहसील चांदपुर की सीमा में आता है और हमारी सीमा 10 किलोमीटर के अंदर ख़त्म हो जाती है। हमारे संवाददाता ने तहसील चांदपुर के वन विभाग दरोगा उपेंद्र सिंह से बात की तो उन्होंने बताया, मैं वहां पर घूमकर आया हूं और वह हमारे हलके की सीमा में नहीं आता। अब देखना यह है कि जब यह पेड़ धामपुर नूरपुर रोड पर माता शेरावाली मंदिर के पास गिरा पड़ा है और बिजली की 11,000 की लाइन में झूल रहा है तो फिर ना तो यह तहसील धामपुर के वन विभाग के अंडर में आता है और ना ही चांदपुर तहसील के वन विभाग के अंडर में आता है, तो फिर यह किस विभाग के अंडर में आता है? अगर कोई भी व्यक्ति इससे आम या लकड़ी तोड़ने चढ़ गया तो वह बिजली के तारों पर भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है और कोई भी बड़ी दुर्घटना हो भी सकती है। इसलिए वन विभाग के आला अधिकारियों को जल्द से जल्द पता लगाकर कि यह किसके हलके में आता है उसे उठाया जाए ताकि कोई बड़ी दुर्घटना ना हो सके। देखिए धामपुर से हमारे संवाददाता इसरार अहमद की रिपोर्ट। आपका टिम्पल दिवाकर, कहाँ के रहने वाले हो? खदाना जी। ये जो आपका खेत है, पेड़ गिरा हुआ है, हाँ जी, ये कब से गिरा हुआ? इसको 10 दिन हो चुके हैं जी। 10 दिन। ये किस जगह स्थान पर है? ये माता सहसावाली धामपुर नूरपुर रोड के मंदिर के पास में ही है। इसके बारे में आपने किसी अधिकारी से, वन विभाग के, बात की? जी, धामपुर वालों से भी की थी और चांदपुर वालों से भी, तो दोनों बोल रहे हैं कि हमारे हलके का मामला नहीं है। किसी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। आए थे देखने? हाँ, देखने आए थे दोनों जी, और दोनों ने मना कर दिया कि हमारा मतलब हलका नहीं लगता। वे बोलते हैं कि चांदपुर का हलका है धामपुर वाले जी, और चांदपुर वाले बोलते हैं कि धामपुर का हलका है। आप तो शायद धामपुर तहसील के अंडर में आते होंगे? हाँ जी, धामपुर तहसील के अंडर में आते हैं। अब प्रशासन से क्या चाह रहे हो? बस यही चाह रहे हैं कि पेड़ हट जा, फसल ना सुना हो। ठीक। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।